हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू टूसन वाला जेई। तो यार आज के इस वीडियो में तुमको मैं देने वाला हूँ अडानी स्ट्रेटजी फॉर द सेकंड अटेम्प्ट जेई मेन 2023। तो यार इस स्ट्रेटजी से तुम कैसे अपना स्कोर अचीव कर सकते हो। देखो यार, तुम्हारे साथ मैं जो शेयर करने वाला हूँ आज, वो मैं रियल लाइफ की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एक स्टूडेंट की, जिसका सिर्फ 99 स्कोर आया था, बट यार उसने अपने सेकेंड अटैम्प्ट को दिया और यार उसका स्कोर 223 हो गया। तो यार तुम खुद सोच के देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 99 स्कोर और सेकेंड अटेम्प्ट में 223 स्कोर। तो यार उस स्टूडेंट ने ऐसा क्या किया कि उसका स्कोर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो यार आज की जो ये स्ट्रेटजी है, इसको मैं बोल रहा हूँ अडानी स्ट्रेटजी। तो यार किस तरीके से तुम स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना स्कोर अचीव कर सकते हो, तो देखो यार ये स्ट्रेटजी बहुत ही डेफिनेटली तुम्हारे लिए वर्क करेगी, उस चीज़ को देखो समझो तुम। तो देखो पहली चीज़ तो ये है, देखो जब तुम फर्स्ट अटैम्प्ट अपना देते हो तो देखो फर्स्ट अटैम्प्ट की जो लर्निंग्स होती हैं वो तुमको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, और वही लर्निंग से तुम अपने सेकंड अटैम्प्ट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखो अगर मैं तुमसे बात करूँ इस बार जो तुम्हारा अटैम्प्ट है 2023 के लिए, तो देखो 2023 में तुमको पहली चीज़ क्या सीखनी है, तो देखो फर्स्ट लर्निंग तुमको ये सीखनी है कि यार जो तुम्हारे क्वेश्चंस आए हुए थे वो मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे PYQ बेस्ड थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यार अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया था, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, तो यार डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर अच्छा रहा होगा फर्स्ट टाइम। अगर अच्छा नहीं रहा, डेट मीन्स तुमने क्या है प्रिपरेशन में अपने PYQ क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। तो यार ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली लर्निंग तुम्हारी ये है कि यार तुमको PYQ क्वेश्चंस पर फोकस करना ही करना है, इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो जब तुम PYQ क्वेश्चंस करते हो तो यार एक चीज़ ये तुमको ध्यान देनी है कि यार तुमने जो आंसर निकाला है, अब आंसर निकालने के बाद देखो क्या होता है कि यार कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुमको नहीं भी आएंगे। देखो यार तुम जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमको नहीं आएंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस तुमको नहीं आ रहे हैं तो यार तुमको क्या करना है, उसको टिक करना है, और यार टिक करने के बाद उसका तुमको क्या करना है, सोल्यूशन अपनी बुक में चेक करना है। अब यार सोल्यूशन जब तुम चेक कर लोगे तो सोल्यूशन से तुमको ये पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो इस टाइप से सॉल्व करने का होगा। जब तुम्हारा पैटर्न करेक्ट फॉलो हो जाता है, डैट मीन्स वो क्वेश्चंस का जो आइडिया तुम्हारे माइंड में आ गया। अब देखो टिक इसलिए तुम करे रहे हो बुक में, अगर तुम टिक किए रहो तो एटलीस्ट जब तुम सेकेंड टाइम रिविजन दोगे तो यार तुमको पता तो होगा कि यार तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन से जो तुम्हारे नहीं निकले थे। तो इसलिए तुमको फोकस ये करना है कि यार तुम PYQ करो, बट यार टिक करके क्वेश्चंस को रखो जो क्वेश्चन तुमको नहीं आए थे, और उनका जो सोल्यूशन को चेक करो। तो पहली चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि तुमको PYQ जरूर और ज़रूर करना है। अब देखो आफ्टर PYQ, अब देखो बात यह है कि भाई तुम्हारे पास टाइम अभी बहुत कम है। तुमको मालूम है कि यार फरवरी चल रहा है, और तुम्हारा एग्ज़ाम क्या है अप्रैल में है, और यार ये तुम्हारा एग्ज़ाम 6 से 12 अप्रैल के बीच में है। तो यार अब तुमको इसने टाइम के बीच में कैसे तैयारी करना है, तो यार मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि यार तुम्हारे पास केवल क्या 45 डेज हैं। इन्हीं 45 डेज में हमको सब कुछ करना है, और जो टाइम हमारे पास बच जाएगा वो टाइम को रिविजन में देना है। तो यार पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि भाई PYQ हमको करने हैं। आफ्टर PYQ सेकंड पॉइंट तुम्हारा आएगा, तुमको यार फोकस करना होगा सैंपल पेपर पर। तुमको फोकस करना होगा कि अपने सैंपल पेपर पर, देखो तुमको क्या करना है, तुमको मार्केट से कोई भी सैंपल पेपर की बुक ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो यार, सभी पब्लिकेशन सही हैं। जो तुमको बेस्ट लगे, तुम अरियंत की ले सकते हो, तुम दिशा की ले सकते हो, तुम यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ले रहे हो तो यार उसके ले सकते हो, बस तुम यार उसको ले लो। और लेने के बाद यार कम से कम तुमको 1 वीक में, थ्री सैंपल पेपर करने हैं, केवल यार तुमको 1 वीक में 3 सैंपल पेपर करने हैं, इतना ही तुम्हारे लिए सफिशेंट है। बाकी का टाइम तुम क्या करो, बाकी का टाइम तुम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली करने में दो। अब देखो जब तुम क्वेश्चंस करते हो तो उसका एक पैटर्न बनाओ, पैटर्न ये बनाओ यार
कि तुमको मालूम है कि यार तुम्हारा फिजिक्स है, तुम्हारा केमिस्ट्री है और तुम्हारा मैथ्स है, तो यार तुम इसको क्या करो, जो तुम्हारा पूरा दिन होगा, जो जैसे तुम्हारे पास जितना भी टाइम है पूरे दिन में, उस टाइम को क्या डिवाइड करो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो तुमको डेली क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने तो हैं, लेकिन चैप्टर वाइज चलना है। कैसे चलना है, चैप्टर वाइज चलना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, विदाउट चैप्टर वाइज चलते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि यार किस किस चैप्टर के क्वेश्चन हो गए हैं। तो यार अगर तुमने फिजिक्स उठा रहे हो, अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी उठाया है, तो यार इलेक्ट्रिसिटी के पूरे पीवाईक्यू कर डालो, तो पीवाईक्यू फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके करो। तो यार चैप्टर वाइज करोगे तो यार एटलीस्ट तुमको ये पता हो जाएगा कि यार मेरा कितना परसेंट सिलेबस हो गया, मैंने 40% कवर कर लिया या मैंने 50% कवर कर लिया या मैंने 70% कवर कर लिया। अगर यार तुम ये अडानी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यार तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होगे। तो यार ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो तुम्हारे तीन हैं उन पर तुमको इक्वली टाइम देना है, क्योंकि यार वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार कोई सब्जेक्ट अगर वीक है, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, तो यार उस पर तुमको क्या ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो एक चीज़ तुमको ये भी फोकस करना है, देखो जब तुमने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो यार तुमको ये देखना है जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे, जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे क्या उसको तुम अप्लाई कर पाए, क्या तुमने उनका एप्लीकेशन कर पाए। देखो यार कई बार क्या होता है कि यार देखो फिजिक्स में बहुत बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, सारी थ्योरी पता है, सारे डेरिवेशंस पता है, सारे फॉर्मूले पता है, लेकिन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जेई मेन में क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं। रीजन क्या है, रीजन है कि यार उन फॉर्मूलेस का, उन डेरिवेशंस का जो एप्लीकेशन था उस पार्ट पर फोकस नहीं किया, और वही एप्लीकेशन पार्ट बच्चों को समस्या दे रहा है। यार यही समस्या सेम आती है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी क्या होता है, जो रिएक्शंस होती हैं यार, देखो रिएक्शंस को जैसे तुम्हारा फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कैनिजारो रिएक्शन है, तो वो किस कंपाउंड में होगी, किस कंपाउंड में नहीं होगी, उसी तरीके से तुम्हारा यार एल्डोल रिएक्शन होता है वो किस कंपाउंड में होगा, किस कंपाउंड में नहीं होगा। एटलीस्ट यार जो बेसिक टर्म्स है वो पता हो, और उसके बाद उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे तुम्हारा क्या है सेम एल्डोल होता है, क्रॉस एल्डोल होता है। तो यार जैसे मैंने तुमको बताया कि यार सेम एल्डोल होता है, क्रॉस एल्डोल होता है, तो यार तुमको उसी तरीके से जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको एक डीप डिटेल में पढ़ो। और यार इसी तरीके से तुम्हारा तुमने सुना हुआ है मार्कोनी फ्लो है, एंटी मार्कोनी फ्लो है, तो यार उनमें क्या डिफरेंस है, कब तुमको मार्कोनिफ लगाना है, कब तुमको एंटी मार्कोनिफ लगाना है। तो यार काफ़ी अच्छे होते हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई मार्कोनिफ कब लगेगा, एंटी मार्कोनिफ कब लगेगा, तो यार उनका जो डिफरेंस होता है वो एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में स्टोर हो। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारे सामने रिएक्शन होगी, तुमको लगाना होगा एंटी मार्कोनिफ, तुम लगा दोगे मार्कोनिफ और गलत आंसर हो जाएगा। और यार बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से जो मार्क्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो यार उन मिस्टेक्स पर तुमको क्या फोकस करना है। तो ध्यान रखना यार एप्लीकेशन वाले पार्ट पर जरूर और जरूर फोकस करना। अब यार अगर मैं तुमसे बात करूं लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर फिफ्थ देखो तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, देखो जब बच्चा एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो यार उसके माइंड से काफ़ी चीज़ें क्या बाउंस हो जाती हैं, उड़ जाती हैं माइंड से। तो यार उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि यार उसने अपनी ये जो प्रैक्टिस थी वो की नहीं, और जब प्रैक्टिस नहीं की तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या लूज हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से वो क्या एग्जाम में डरा हुआ महसूस करता है, उसके अंदर एग्जाम का क्या फियर आ जाता है, और यही एग्जाम का जो फियर है वो उसके मार्क्स को क्या कम कर देता है। तो यार एग्जाम फियर तब नहीं आएगा जब तुमने अपनी प्रिपरेशन को किया होगा, क्वेश्चंस को कई बार किया होगा, पीवाईक्यू देखा होगा, तुमने सैंपल पेपर किया होगा, तुमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा होगा, तुमने थ्योरेटिकल के एप्लीकेशन देखे होंगे, तो यार डेफिनेटली तुम्हारे अंदर फियर आ ही नहीं सकता, और तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। तो यार इसलिए तुमको इन सारे पॉइंट पर डेफिनेटली फॉलो करना है, और यार ये तुम्हारी अडानी स्ट्रेटजी तुमको 223 पे क्या लेके जाएगी, और तुम्हारे मार्क्स जो है तुम्हारे इंप्रूव हो जाएंगे, और जो तुम्हारा एनआईटी जैसे टारगेट्स होते हैं वो डेफिनेटली तुमको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। और यार तुम्हारी जब प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, तुम्हारी स्ट्रेटजी वर्क कर जाए, तो यार तुम डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आफ्टर द एग्जाम। तो यार मैं तुम्हारा वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का कि यार तुम कमेंट कब करने आते हो आफ्टर द एग्जाम।
तो तुम ध्यान रखना कि यार 6 से 12 के बीच तुम्हारा एग्जाम है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुमको, 13 और 14 तुम्हारी रिजर्व डेट रखी गई है एग्जाम के लिए। अगर इनकेस एग्जाम तुम्हारा 6 से 12 अप्रैल के बीच में इनकेस डिले ले होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यार तुम्हारा ये एग्जाम की डेट क्या है, 13 से 14 के बीच में भी क्या शिफ्ट हो सकती है इन द अप्रैल मंथ। तो यार तुमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अगर कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, डाउट है, नीचे कमेंट उसे पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेस की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, जहां तुमको सारे वीडियोज़ बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में मिलने होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।